जिले में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराध कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। किसी घटना का खुलासा होना वाहवाही लूटने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी घटनाओं के लिए पुलिस कर्मियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अपील आम जनता से भी है, अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि होने वाली घटनाओं को कम किया जा सके, क्योंकि हर जिम्मेदारी का ठीकरा कानून व्यवस्था के सिर पर नहीं फोड़ा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। शुरुआत करेंगे सायाहपुर के खास बुलेटिन की। 3 दिन पहले जली हुई हालत में मिली डिग्री कॉलेज की छात्रा के मामले में पुलिस अभी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पुलिस उन सभी लोगों से कड़ी पूछताछ कर रही है जिनका जिक्र छात्रा ने बयान में किया था, लेकिन छात्रा के बयान और पकड़े गए आरोपियों के हालात बिल्कुल अलग अलग हैं। पुलिस अब हकीकत जानने के लिए थोड़ा इंतजार करेगी, क्योंकि ये घटना संदिग्ध होती जा रही है। सायाहपुर के खजांची कार्यालय में एक चोर ने सुरक्षा को दरकिनार करते हुए खजांची ऑफिसर का ही सरकारी सीयूजी मोबाइल चोरी कर लिया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अब जिले का खजाने वाला अति सुरक्षित कार्यालय और उसकी संपत्ति ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जिले का क्या हाल होगा। फिलहाल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस अब मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई न होने पर नाराज पीड़िता और उसकी मां ने डीएम कार्यालय के सामने धरना दिया। आरोप है कि विजय कुमार नाम के व्यक्ति ने घर में घुसकर युवती को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला का कहना है कि ऊंचे रसूख के चलते पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला ने डीएम ऑफिस के सामने आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। जिले में अपनी गुंडाई के बल पर दहशत फैलाने वाले 11 बदमाशों के खिलाफ जिलाधिकारी ने जिला बदर की कार्रवाई की है। बदमाशों में कई लोग शहर के हैं, जो हाल ही में अपने आतंक के लिए पुलिस के रिकॉर्ड में चढ़ गए थे। फिलहाल सभी थानाध्यक्षों को इन बदमाशों को जिला बदर करने को कहा गया है। इस दौरान अगर ये बदमाश जिले में दिखाई दिए तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। कांड थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने सैनिटाइजर पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। महिला का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर वहशीपन करता है, विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करता है। महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए SPS आनंद ने लगभग 3 दर्जन दरोगा को इधर से उधर किया है। SP ने 34 उपनिरीक्षकों के तबादले किए हैं, जिनमें से ज्यादातर उपनिरीक्षकों की नई तैनाती की गई है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो बड़े पैमाने पर पुलिस के सिपाहियों के भी तबादले किए जाने बाकी हैं, जिसकी सूची तैयार की जा रही है। समाजवादी व्यापार सभा ने आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने बिना राय के GST लागू की है, जिसमें तमाम विसंगतियां हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी व्यापार सभा ने मांग की है कि GST को रद्द करके व्यापारियों से सलाह के बाद ही उसे फिर से लागू किया जाए। पोया पुलिस के एक सराहनीय कदम की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। यहां पुलिस की कोशिशों से एक टूटे हुए परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इलाके के सदापुर गांव की रहने वाले सुजीत सिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी के बीच विवाद हो गया था, जिसके चलते पिछले 7 महीनों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। मामला जब थाने पहुंचा तो प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह और महिला डेस्क प्रभारी पिंकी के सहयोग से दोनों परिवारों को समझाया गया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगकर एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया और अपने घर रवाना हो गए। मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पिगरी पालन के प्रशिक्षण के लिए किसानों के एक खास दल को आज रवाना किया गया। प्रशिक्षण को ले जा रही बस को जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम बैंक ऑफ बड़ौदा के सौजन्य से किया जा रहा है, जिसमें जिले के किसानों को पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किया जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षण से किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये जो हमारे जनपद शाहजहांपुर के किसान हैं, इनको
खेती के अलावा उसके जो सहयोगी व्यवसाय हैं जैसे फिशरीज है, पिगरीज है, इससे ट्रेनिंग देकर इनके आय को बढ़ाने के नज़रिए से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने संसाधनों से इनको एक ट्रेनिंग शेड्यूल इनका आयोजित किया है, जिसके लिए पन्नगर यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है। वहाँ पर ये हमारे किसान जाकर मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेंगे। 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसके आधार पर अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उस नज़रिए से आज एक बस रवाना की गई है और आने वाले दिनों में कुछ और इसी प्रकार के कार्यक्रम मछली पालन और अन्य व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं, जिनकी ट्रेनिंग के लिए यहां से किसान भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर थाना अल्लागंज से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और ग्रामीण के बीच नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस एक वारंटी को पकड़ने गई थी, इसी दौरान आरोपी के परिजन पुलिस से भिड़ गए। महिला ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। फिलहाल मिशन 24x7 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना जलालाबाद की रामपुर ढाका के रहने वाले लोगों ने बहगुल नदी पर पुल के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से शुरू करने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि रोजाना यहां से स्कूली बच्चों और महिलाओं समेत 7000 व्यक्ति गुजरते हैं, जिससे उनकी जान माल को खतरा बना रहता है। गांव वालों का कहना है कि पुल के रुके हुए निर्माण को तत्काल शुरू किया जाए। समाजवादी पार्टी की एक खास बैठक आज पुआया में की गई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। तहसील अध्यक्ष गोपाल अग्नोत्री और सपा नेता उपेंद्र पाल ने सपा कार्यकर्ताओं को खास दिशा निर्देश दिए। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने तहसील कार्यकारिणी का विस्तार भी किया, जिसमें पुआया के राजकुमार को विधानसभा कोषाध्यक्ष और बंडा के भगवंतापुर उवरिया के पंडित अनूप शर्मा, बेला के सुबोध कुमार और ममौरी जप्ती के शिवेंद्र सिंह यादव को विधानसभा सचिव मनोनीत किया गया। तहसील अध्यक्ष गोपाल अग्नोत्री ने मनोनीत सदस्यों को मनोनयन पत्र सौंपा और उन्हें बधाई दी। बरेली में होने वाले 3 दिवसीय टीचर्स क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आज टीमों को टी शर्ट और फूल माला पहनाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम का आयोजन फिट इंडिया टीचर्स गेम्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले बरेली में किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी ने टी शर्ट देकर और फूल माला पहनाकर सभी को बधाई दी। तेलहर के खिरिया सकटू प्राथमिक विद्यालय से वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूल की शिक्षिका है, जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में बिजी नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षिकाओं को ना ही पढ़ाई से मतलब है और ना ही मिड डे मील बनवाने में कोई रुचि। फिलहाल इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज निगोही की डालमिया सुगर मिल में एफएमसी कंपनी द्वारा किसानों के साथ चाय पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान गन्ने में लगने वाली बीमारियों और अच्छी उपज की जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों को एफएमसी कंपनी के खास उत्पाद कोराजन का सही समय पर छिड़काव करने की जानकारी दी गई। बताया गया कि अप्रैल से जुलाई तक तापमान बढ़ने से गन्ने में कंसुआ और चोटी भेदक कीट लगने की ज्यादा संभावना बनी रहती है, जिससे गन्ने की फसल को बचाने के लिए कोराजन का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं गन्ने में लगने वाले लाल सड़न रोग को लेकर चर्चा की गई और किसानों को बताया गया कि किस तरीके से लाल सड़न रोग से बचा जा सकता है। शाहजहांपुर पुलिस ने शराब माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास लगभग 219 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। यह कार्रवाई पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद बचे हुए शिक्षक भर्ती न होने पर एक अभ्यर्थी महिला दुर्गेश मोहनदेव ने मुख्यमंत्री से जल्द बची हुई भर्तियों को पूरा करने की मांग की है। जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोर्ट ने 1,37,000 शिक्षकों के खाली पदों को भरने के आदेश दिए थे। सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती तो कर ली, लेकिन अभी भी 68,500 पद खाली पड़े हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भरे जाने की मांग की जा रही है।